सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10th या 12th में पढ़ रहे हो और अभी तक आपको अपना रोल नंबर नहीं पता है, या फिर अपने 12th या 10th का एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना रोल नंबर विथ रिजल्ट को भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपको देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का ब्राउज़र या फिर गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है, आप अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपको लिखना है UPMSP, ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देख लो स्पेलिंग को। यहाँ पे आपको UPMSP रिज़ल्ट लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट में वेबसाइट नज़र आएगी आपको, इसको लिखने के बाद दोस्तों जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप UPMSP रिज़ल्ट पे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ सेकंड रुकना है, उसके बाद यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटर मैट्रिक कक्षा 12th का परीक्षा फल यहाँ पे लिंक खोले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सारे क्लास का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और आपको लिंक खोले का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर कक्षा 10th में पढ़ रहे हो या 12th में, तो यहाँ पे सारे क्लासेस हैं, आपको यहाँ पे लिंक खोले पे क्लिक कर देना है। जैसा आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कक्षा वर्ष, आपको वर्ष यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो कक्षा है यहाँ पे 2014 तक ही दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से हम बैक चलते हैं और एक और हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपको अपना वर्ष को चयन कर लेना है जिस भी और से आपका एग्ज़ाम दिया हो। यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो 7 डिजिट का रोल नंबर होता है, आपको फिलअप कर लेना है यहाँ पे। तो मैं फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद सुरक्षा कोड, सिक्योरिटी कोड आपके एडमिट कार्ड में होगा, यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस सुरक्षा कोड को यहाँ पे फिलअप करनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप भी सेम इसी तरह कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सुरक्षा कोड सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे योर रोल नंबर नॉट फाउंड, तो मुझे अपना रोल नंबर पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अपना रोल नंबर को डाल लेना। आपका जो रिजल्ट है यहाँ से आप देख सकते हो, प्लस में अपना रोल नंबर भी देख सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।